वेलकम टू कुकिंग एक्सप्रेस 21। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रसमलाई केक की रेसिपी। केक को मैंने कढ़ाई में बनाया है और साथ में आइसिंग कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। सेम रेसिपी से आप रसमलाई कपकेक भी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को प्रीहीट करना है, तो एक स्टैंड रख कर उसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट कर ले। अब एक बाउल में एक कप दूध लेंगे, उसमें 2 टीस्पून लेमन जूस या विनेगर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा केसर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर ले। अब एक छन्नी में 2 कप मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालकर छान लेंगे। ऐसा करने से केक लाइट एंड सॉफ्ट बनता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करें, जिससे कि बैटर में लम्प्स नहीं आएंगे। बैटर अभी काफी थिक है तो मैंने यहाँ 1/2 कप दूध लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाएंगे। अब विस्क की हेल्प से बैटर स्मूथ कर ले। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब एक केक टिन को बटर या ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर ले, इससे केक बेक होने के बाद चिपकेगा नहीं। केक टिन में बैटर 3/4 तक फिल कर लेंगे और इसे 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर ले। बचे हुए बैटर को हमें कपकेक मोल्ड में डालना है और सेम प्रोसेस से बेक कर लेना है। अब प्रीहीटेड कढ़ाई में केक टिन को डालकर 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक कर ले। आधे घंटे बाद आप बीच में एक बार चेक भी कर सकते हैं। 50 मिनट्स के बाद केक बनकर रेडी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी बैटर नहीं लगा है। केक टिन से केक बाहर निकालकर 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा कर ले। अब इसके टॉप पार्ट को रिमूव करके ऊपर से फ्लैट कर लेना है। अब केक को इस तरह से 3 लेयर में डिवाइड कर ले। अब केक की आइसिंग के लिए बर्फ लेंगे, उसके ऊपर एक बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। अब इसे लो स्पीड पर बीट करना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज किया है, आप चाहे तो हैंड विस्क का भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करने से 10 से 12 मिनट में क्रीम बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट तक व्हिप करने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस का ऐड करेंगे। इसे वापस हाई स्पीड पर 2 से 3 मिनट तक व्हिप कर ले। अगर आप हैंड विस्क का यूज कर रहे हैं तो बीच में 1 से 2 बार 5 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल दे, इससे क्रीम जल्दी बीट हो जाएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये क्रीम का सॉफ्ट पीक है, इसे अब 2 से 3 मिनट तक और बीट करना है। क्रीम अब अच्छे से बीट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रीम काफी स्टिफ है, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा और आप जैसा भी शेप देंगे ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब पाइपिंग बैग में नॉर्जल डालकर क्रीम फिल कर ले। रसमलाई का यूज केक की लेयरिंग के टाइम करेंगे। अब एक केक बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लेंगे और केक के फर्स्ट लेयर को रखेंगे। अब इसमें रसमलाई का दूध अच्छे से फैला देंगे, इससे केक मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएगा।
अब क्रीम का फर्स्ट लेयर इसमें लगाएंगे। अब रसमलाई को पीसेस में कट करके आइसिंग के ऊपर लगा देंगे। अब केक के दूसरे लेयर के उसके ऊपर रख देंगे और वापस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। केक के थर्ड लेयर को रखने के बाद आइसिंग से पूरे केक को कवर कर देंगे। यहाँ मैंने चॉप पिस्ता से डेकोरेशन किया है, इस तरह से साइड्स में लगा दें। अब जो कपकेक हमने बनाया था उसे डीमोल्ड कर लें। इसे भी ऊपर से कट करके फ्लैट कर दें। अब कपकेक को भी फ्रॉस्टिंग से डेकोरेट कर लेंगे। मैंने कपकेक को केक के ऊपर रखकर डेकोरेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हैं। अब रसमलाई को छोटे छोटे पीसेस में कट करके केक के ऊपर इस तरह लगाएंगे। हमारा सुपर टेस्टी एंड मॉइस्ट रसमलाई केक बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। आगे मिलते रहेंगे ऐसी रेसिपीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।